क्या हुआ मैडम सर, किसका खत है ये? करिश्मा सिंह का। क्या क्या लिखा क्या है इसमें? क्योंकि आपने आरव को एमपीटी का हेड बनाया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम आपको जान से मार देंगे। तो अब क्या होगा मैडम सर? अब करिश्मा सिंह हमसे बदला लेंगे, हमें जान से मार देंगे। आरव सर, हमारी जान खतरे में है। सिस्टम जी, तो सच में बहुत बड़ी विनर निकली। नहीं नहीं, हम करिश्मा जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मैडम सर के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ये खत उनका लिखा हो ही नहीं सकता। पिल्लू, अरे ये क्या जिद लगा के रखी है तुमने? नहीं नहीं, तुम जब से आए हो सिर्फ वो पुष्पा जी की दो रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया तुमने। आओ चलो, आओ बाहर, थोड़ा सा खा लो। आओ, जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक मैं खाना क्या खाने का निवाला भी नहीं छूंगा। जब तक मुझे इस थाने का SHO नहीं बनाते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। ये क्या बच्चों जैसी जिद है, तुम जानते हो ना ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये मेरे बच्चों जैसी जिद और ये वो बच्चा इस थाने का SHO बन सकता है, लेकिन मैं काबिल तजुर्बेकार सीनियर रिटायर चोर इस थाने का SHO नहीं बन सकता। क्यों नहीं? तुमको क्यों बनना है SHO? मैडम सर, एक दिन के लिए बस मुझे इस थाने का SHO बना दो, फिर देखो इस थाने का नक्शा मैं चुटकी में बदल दूंगा। अच्छा, कैसे? ये देखो, इस प्लान के हिसाब से इस थाने का सारा कर्जा एक झटके में निपट जाएगा। इरशाद, ये मेरा बिल्लू निवास, इसको मैं एकदम लाजवाब बना दूंगा, एकदम ताजमहल की तरह। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे और देखने पर हम टिकट लगाएंगे और जो भीड़ जमा होगी उससे पॉकेटमारी चैन चोरी हो जाएगी। मतलब टिकट से इनकम आता रहेगा और टूरिस्ट से केस आता रहेगा, मतलब इस थाने का सारा कर्जा निपट जाएगा। है कि नहीं मस्त आइडिया? क्या बात है बिल्लू, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम इतने अच्छे आइडियाज देते हो ना, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ भूल आते हैं। अब रहो अंदर और भूखे रहना। सर, ये मैं नहीं भूलूंगा कभी। चीता, क्या ढूंढ रहे हो? चीता चतुर्वेदी, हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम लंबे कैसे हो गए? कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या? हेलो मैडम, ओ अरे मैडम, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, बचाओ बचाओ मैडम, बचाओ बचाओ बचाओ। ये आदमी हमें मारने की कोशिश कर रहा था आरव सर। इतना बड़ा झूठ मैडम, हमने आपको मारने की कब कोशिश की? झूठ? हम झूठ कह रहे हैं? पूछिए इससे, अगर ये सच कह रहा है तो ये चीता का ये जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ क्या करने आया? पूछिए। वो मैं देखा, कोई जवाब ही नहीं है इसके पास। हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका नाम राजवीर है और ये करिश्मा सिंह के थाने में हेड कॉन्स्टेबल है। सर, करिश्मा सिंह ने जानबूझकर इसे यहाँ भेजा है हमें मारने के लिए। मुझे अंकल, आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए और लॉकअप में डाल दो। जी जी सर। सर, नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? करिश्मा मैडम हसीना मैडम को मारने की कोशिश कर रही है। हे भगवान, अरे कुछ दिन के लिए ये काला टीका थाने से क्या चला गया? मेरे इस थाने को किसकी नजर लग गई? कार पोस्टमैन, हसीना सोचो, थाने में सुरक्षित नहीं हो तो बाहर कैसे बचा पाओगी खुद को? हसीना मलिक किस किस से बचती फिरोगी? कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, तुम्हारी मौत निश्चित है। मां का बकवास है ये,
कोई हमारी तरफ से मैडम सर को धमकी भरे लेटर भेज रहा है। उस लेटर में ये लिखा है कि हम हसीना मैडम को जान से मार देंगे भाग। और क्या राजवीर को उन्होंने पकड़ कर ये इल्जाम लगा रहे हैं उस पे कि हमने राजवीर को महिला पुलिस थाना भेजा है मैडम सर पे हमला करने के लिए। कहीं राजवीर सचमुच ऐसा तो नहीं कर सकता? नहीं नहीं, राजवीर का ऐसा करने का क्या चल रहा है भैया? सुनिए सुनिए चंपक जी, छेदी जी, आप वहां जाइए और जाके पता लगाइए ये क्या चक्कर चल रहा है। जी मैडम। कहीं मैडम सर का कोई ये नया प्लान, कोई नया साजिश तो नहीं है हमारे खिलाफ? आप जाइए, जल्दी जाइए और पता लगाइए ये क्या चक्कर चल रहा है, हमें सब बताइए जल्दी जाके। जी मैडम। जय मैडम। जय। मैडम सर, आपने ये फाइल मंगवाई थी? हाँ, रख दीजिए। कुछ कहना चाहती हैं? मैडम सर, आप जानती हैं ये खत करिश्मा जी ने नहीं लिखा, वो आपके लिए ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती। मतलब लिखना तो दूर, आपके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती वो, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। हाँ पुष्पा जी, हम जानते तो हैं। भले ही करिश्मा सिंह ने नहीं, लेकिन किसी ना किसी ने तो धमकी वाला लेटर भेजा ही है ना। हमारी जान को खतरा है पुष्पा जी, हमें सतर्क रहना होगा। वो तो है। वैसे भी काफी दिन हो गए इस पिस्टल को साफ ही नहीं किया, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हो सकता है अब शायद जरूरत पड़ जाए, या शायद ना पड़े, पता नहीं। लेकिन दुश्मन ने हमें खुली धमकी दी है और हम हर तरीके से तैयार रहना चाहते हैं। वो भी है पुष्पा जी। जी, जहां तक हमें याद है आपका भी सपना रहा है ना कि रिटायरमेंट से पहले एक बार आप कोई बड़ा सा केस सॉल्व करें, किसी क्रिमिनल को पकड़ें, एक बार गोली चलाएं। हाँ सपना तो है। मगर सारे सपने पूरे हो तो फिर तकदीर को कौन पूछे। चलिए एक काम करते हैं, आपका एक सपना तो आज पूरा कर ही देते हैं। मतलब ये कि लीजिए बंदूक और वहां बाहर हवा में एम कीजिए और गोली चलाइए। क्या ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? हाँ हाँ पक्का, खिड़की तरफ पॉइंट आउट कीजिए और हवा में चलाइए, हम हैं, डोंट वरी। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी तो देखें कि हमारी पुष्पा जी का निशाना कैसा है। पुष्पा जी एक मिनट, पहली बार जिंदगी में आप रिवॉल्वर आपने हाथ में लिया है, आप गोली चलाने वाली हैं, जरा स्टाइल से। ठीक है, क्या हुआ मैडम सर? क्या हो गया मैडम सर? पुष्पा जी ने अभी हम पर गोली चलाने की कोशिश की, अरेस्ट कीजिए इन्हें। क्या मैडम सर, ये क्या मजाक कर रही हैं आप? मजाक? पुष्पा जी आप क्या कर रही थी हमारे साथ? आप हम पर गोली क्यों चला रही थी? हमने क्या किया कभी? अरे सर ये देखिए, ये इन्होंने हम पर गोली चलाई है, ये हमें जान से मारने की कोशिश कर रही थी, हम सच कह रहे हैं। पर ये आपको क्यों मारना चाहेंगी मिस हसीना? बदला लेने के लिए सर? सर आप जानते नहीं हैं, लेकिन पुष्पा जी जो है करिश्मा सिंह की सास है। क्या हो सकता है कि करिश्मा सिंह ने इन्हें यहाँ भेजा हो हमसे बदला लेने के लिए, हमें जान से मार देने के लिए? थैंक यू सर, आपको ना हमें प्रोटेक्ट करना होगा, प्लीज इन्हें अरेस्ट कीजिए। आप सिस्टम है, आप हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा सर? सर प्लीज कुछ कीजिए, हमारी जान बहुत ज्यादा खतरे में है, अब तो कहीं से भी कोई भी हम पर हमला कर सकता है सर, प्लीज। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। चाहिए? मैडम सर ये क्या? ये क्या कर रही हैं आप? इस हसीना की जान को खतरा है, हमें उन्हें प्रोटेक्शन देना है, इसलिए अब से आप इनके साथ रहेंगे, इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, क्लियर?
Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. मैडम गजब हो गया मैडम गजब एक मिनट इतना भड़बड़ा कह रहे हो क्या हो गया बताइए हमको वो हम लोग मैडम बुलबुल सर से बचते बचाते आ रहे हैं हम आगे का बताओगे चेहरे का हवाई उड़ा हुआ है दोनों का बताओगे बहुत बढ़िया समझाइए क्या बोला इन्होंने बता दे हम मैडम पुष्पा मैडम को गिरफ्तार कर लिया गया है हसीना मैडम को मारने की कोशिश करने के जुर्म में कहां बकैती कर रहे हो पुष्पा जी को गिरफ्तार कर लिया मतलब आगे भी है मैडम आगे का उन पर ये आरोप लगा है कि आपने उन्हें भेजा था हसीना मैडम को मारने के लिए ये कहां बकैती है हम भेजेंगे और पुष्पा जी को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने जब जानती है वो कि पुष्पा जी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है फिर भी क्या क्या चल रहा है उनके दिमाग में किस राख में है हसीना मैडम हेलो संतू ये क्या सुन रहे हैं हम हाँ क्या चल रहा है ये सब करिश्मा मैडम नहीं कहा ये राजवी तो राजवीर हसीना मैडम ने पुष्पा जी को अरेस्ट कर लिया ये क्या ये सच है क्या सच है मैडम बहुत गलत किया ये हसीना मैडम ने हम पुष्पा जी को अरेस्ट कर लिया मतलब दुश्मनी हमसे है ना तो हमसे दुश्मनी निकाले बेवजह मासूम लोगों को अरेस्ट काय कर रही है उनको काय बलि का बकरा बना रही है वो सच्ची में बहुत तेज है उन्होंने बहुत गलत जगह बार किया है पुष्पा जी को कुछ भी होता है ना हमसे नहीं कर पाते हैं हम सख पका हो जाते हैं हमसे हम नहीं झेल पाते हैं हम माँ है वो हमारी हमको यकीन नहीं हो रहा है कि हमसे रंजिश निकालने के चक्कर में वो इस हद तक गिर सकती है पुष्पा जी किधर है हमारा बात कराइए ना उनसे परेशान हो रही होगी वो एक बार हमारा बात कराओ ना कहाँ है वो पुष्पा जी हम नहीं पीछेगी नहीं पीछेगी हमारा फोन हाँ क्या चल रहा है इनका किसका फोन है करिश्मा मैडम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ हाँ हेलो पुष्पा जी आप ना बिल्कुल भी घबराइएगा मत हाँ हम हैं हम आपसे वादा करते हैं हम शाम तक आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ये चक्करव्यूह किसके लिए हो रहा है हमारे लिए हो रहा है ना करिश्मा सिंह को पकड़ने के लिए हो रहा है ना तो करिश्मा सिंह मैडम सर के सामने जाएगी देखिए गुस्सा अकल को खा जाता है आप पहले शांत हो जाइए पुष्पा जी आप हमें कह रही कि हम शांत हो जाएं आप वहाँ हवालात के अंदर बैठी हैं और आप हमें कह रही है कि हम शांत हो जाएं हम आपको देख सकते हैं क्या वहाँ पे अब आपको अशांत होना चाहिए कितना भरोसा करती थी ना आप उन पर बड़ा परम भक्त बन के बैठी थी ना देखा आज मौका आया तो आप पे भी कैसा वार कर दिया अम्मा दुश्मनी निकालना था तो हमसे निकालते ना आपको हवालत के अंदर बंद काहे किया देखिए कितना इमोशन जो आपने इन्वेस्ट किया है कितना गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया आपने अब एहसास हो रहा है आपको वैसे हमें भी नहीं पता चला ये सब क्या हो गया मतलब हम तो मैडम सर के कहने पर ही उनकी सर्विस गन देख रहे थे अचानक ये सब वैसे एक तरफ से देखा जाए तो ठीक ही है ना मैडम सर ने हमें भी नहीं बख्शा सोचो हमें जो दुनिया में शिवजी के बाद सबसे ज्यादा उन्हें मानते हैं तो हमें क्या पता था ऐसी भोली सूरत के पीछे इतना छल कपट छुपा हो सकता है हम तो मैडम सर को न्याय का केंद्र बिंदु मानते थे मगर वो तो पुरानी फिल्मों की बिंदु निकली हमको निकली कभी हमारे मुंह से ऐसी कोई बात उस महान शख्सियत के लिए जिसका नाम हसीना मलिक है नहीं और निकलेगी भी नहीं मैडम सर तो कितनी महान है हीरा है हीरा कोहिनूर हीरा हाँ हाँ हमारे सामने ही खड़ी है साक्षात अच्छा हाँ हाँ विमला हम बाद में बात करते हैं हाँ जय हिंद वो हम जय हिंद आदत है ना रख रो ध्यान रखिए कहाँ बिल्ले माँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है सांस वो तो आप हुई हमारी सांस
हमारी सांस फूल रही है। होता है पुष्पा जी, जब आप किसी के घर में घुस के डेरा जमा के बैठ जाते हो ना, तो सांस की तकलीफ होती है। अरे एंजाइटी, एंजाइटी कहते हैं उसे। एंजाइटी, एंजाइटी। तुम्हें क्या हो रहा है? हमें भी होने लगा। देखो तुम्हारा जो ये एंजाइटी है ना, इसका इलाज मुझे पता है, मैं आपको ठीक कर देती हूँ। जैसा मैं करता हूँ आप मेरे पीछे पीछे वैसा ही करना। हाँ चलो, आंखें बंद, हाथ जोड़ो। हे लोकप देवता, हे लोकप देवता, इस दुनिया में अपराध बढ़ते रहे। बोलो बोलो। इस दुनिया में अपराध बढ़ते रहे और हम यही बने रहे। और हम यही। बोलो। अरे बोलो, ठीक होना है कि नहीं, बोलो ना। अब हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। लो आ गए आपके सामने, यही चाहती थी ना आप। अब जो जी में आए वो कीजिए आप हमारे साथ। आप महान हैं ये तो हम जानते थे मैडम सर, पर आप इतनी महान निकलेंगी कि इस दुनिया में जो आपको सबसे ज्यादा मानता है आप उसके साथ ही ऐसा करेंगी, ये नहीं जानते थे। चलो अच्छा हुआ इस बहाने पुष्पा जी का भ्रम तो टूटा। बहुत मानती थी ना आपको, एकदम परम भक्त है आपकी। अब तो सच्चाई उनके सामने आई कि आप टाइम आने पर किसी का भी बलि चढ़ा सकती हैं। आप कौन सी सच की बात कर रही हैं करिश्मा सिंह? सच या झूठ कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना नजरिया है। जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए सच है, हो सकता है हमारे लिए वो सही ना हो। पुलिस कस्टडी से भागते वक्त आपने वो किया जो आपको ठीक लगा, और आपको पकड़ने के लिए हमने वो किया जो हमें ठीक लगा, तो इसमें सच और भ्रम की बात कहाँ से आ गई? नजरिया तो समझ में नहीं आया मैडम सर आपका आज तक हमें, पर आज बहुत अच्छा हुआ कि आपका सच सबके सामने आ गया, कि वक्त आने पर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी और किसी का भी पत्ता काट सकती है। अम्मा हमको लगा कि विचारों का लड़ाई है, विचारों से निपटा लेंगे, लेकिन नहीं, हमें नहीं पता था कि आपके अंदर ईर्ष्या का ऐसा सुनामी आया है कि आप अपने साथ सबको ले डूबेंगी। हमारे लिए नतीजा मायने रखता है करिश्मा सिंह, और तरीका उससे भी ज्यादा। ठीक है, नतीजा अब आपके सामने आके खड़ा हुआ है मैडम सर, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन भगवान के लिए महिला पुलिस थाना फोन लगा के पुष्पा जी को वहां से निकालिए। उससे पहले आपको ठीक से गिरफ्तार तो कर ले। बुलबुल पांडे गिरफ्तार कीजिए इन्हें। Yes, ma'am. मैडम सर, अब लॉकअप का चाबी लाओ। ये चाबी, ये नाइंसाफी, ये अत्याचार है, ये अन्याय है, ये मेरे पिल्लू निवास पे कब्जा हो रहा है, मैं इस थाने के खिलाफ केस कर दूंगा। वकील को बुलाओ। अगर आपने ज्यादा हंगामा किया तो मैं आपको होमवर्क पे लगा दूंगा। नहीं नहीं सर, आई विल एडजस्ट। मिस हसीना, आप रिलैक्स हो जाइए, अब आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। असली कल्प्रिट पकड़ा गया है। आप सिस्टर मेरी, पहले तो आपने लॉकडाउन लगाया और मिस हसीना पे हमला भी किया है, आपको तो बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। अलग समय की माया, मांगे मिले न दूर, बिन मांगे मिले कनीचा। हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं, ये तो ससुर खुद है लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो बुलबुल पांडे? देखिए सर, अभी अभी बुलबुल पांडे ने हम पर गोली चलाने की कोशिश की है।
अरे नहीं नहीं टूट कह रही है सर 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 ये देखिए सर गन गन अभी भी हमारी तरफ है सर कुछ कीजिए बचाइए हमें नहीं है नहीं है सर ये झूठ बोल रहा है सर बुलबुल पांडे भी ना करिश्मा सिंह के साथ मिला हुआ है ये सब मिले हुए सब मिलकर हमें मारना चाहते हैं सर प्लीज प्रोटेक्ट मी गिरफ्तार कर लो इन्हें चलिए लॉकअप में चलिए सर हम अरे जगह नहीं रे बाबा ये देखिए सर एक और धमकी वाला लेटर सर सॉरी लेकिन इन सबको जेल में डालने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है हो सकता है ना कि इन सब के और भी दूसरे साथी हो जो हमें बाहर मारने की कोशिश करें हो सकता है कि हम यहाँ से बाहर जाए और कोई हमें मार दे सर हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है प्लीज हेल्प मी सर प्लीज कुछ कीजिए कितने दुश्मन है आपके कहीं भी कहीं से भी निकलते ही जा रहे और जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है उससे बचाए कैसे आपको सर अब ये तो आपको सोचना होगा ना क्योंकि सिस्टम तो फिलहाल आप हैं तो आप सोचकर बताइए कि हम क्या करें ये देखिए सर एक और धमकी वाला लेटर सर सॉरी लेकिन इन सबको जेल में डालने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है कितने दुश्मन है आपके हसीना मलिक कहीं भी कहीं से भी निकलते ही जा रहे और जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है उससे बचाए कैसे आपको सर अब ये तो आपको सोचना होगा ना क्योंकि सिस्टम तो फिलहाल आप हैं तो आप सोचकर बताइए कि हम क्या करें आइडिया तो सुनिए हसीना मलिक एक काम करते हैं आपका रूम में बंद कर देते हैं रूम से बाहर ही नहीं निकलेंगी तो दुश्मन आपको कैसे मारेगा फिर जब खलता टल जाएगा दुश्मन पकड़ा जाएगा फिर हम आपको रूम से बाहर निकाल देंगे कैसा लगा आइडिया ब्रिलियंट सर हमें लगता है इससे अच्छा आइडिया हमें सुरक्षित रखने के लिए कोई हो ही नहीं सकता जब हम खुद रूम में बंद हो जाएंगे तो कोई दुश्मन हमें मार ही कैसे सकता है सर ये सबसे अच्छा आइडिया और आई थिंक ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास राइट और खुद को अगर प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमें कुछ दिनों के लिए रूम में बंद होना पड़े तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए सर ऐसी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझना चाहिए पेशेंस रखना चाहिए जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती रूम में ही रहना चाहिए हाँ और ऐसा करने में हमें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए ना नहीं हाँ और आप ये सब हमारी भलाई के लिए हमें सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं ऑफ कोर्स तो फिर लॉकडाउन में अगर आपको आपके घर पर रहना पड़ा तो ऐसे में तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सही है तो फिर यहाँ पर भी तो सिचुएशन वैसी है ना अरव अगर एक अनदेखे अनजाने दुश्मन से आपको बचाने के लिए करिश्मा दीदी ने आपको अपने ही घर में बंद कर दिया तो फिर क्या गलत किया वो भी तो आपकी भलाई ही चाहती हैं, है ना ये वायरस जो है ना ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अभी और ना ये दिखाई नहीं देता इसका कोई चेहरा नहीं है ये कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाता है पड़ोसी के रूप में आप अपने जो दोस्तों के साथ खेलते हो उनके रूप में या फिर जो घर में काम करने आते हैं उनके रूप में या फिर सड़क पर चलते किसी भी आदमी के रूप में और एक बार ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले ले तो आपको बहुत बीमार कर देता है जो चीज दिखाई नहीं देती जिसे हम पकड़ नहीं सकते उससे खुद को कैसे बचाएं सॉल्यूशन तो यही होगा ना कि हम उससे दूर रहें हम एक दूसरे से दूर रहें क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दूर रहिए खुद को सैनिटाइज करके रखिए और अपने घर में रहिए हम ये जरूर मानते हैं कि शुरुआत में इस वायरस को फैलने से हम रोकने में उतने कामयाब नहीं हुए लेकिन कभी ना कभी तो इसे रोकना ही होगा और ऐसी सिचुएशन में अगर
सिस्टम दीदी आपको घर पे रहने के लिए कहा तो गलत क्या किया? तो फिर बड़े जो अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते उसका क्या? हाँ ये बात तो गलत है, उन्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब आप समझ गए हो ना, अब आप अपने घर जाइए और अपने बड़ों को समझाइए, वो आपकी बात मान जाएंगे। तो ये सब हमारी सेफ्टी के लिए था। मेक सेंस। से आज मेरे पास आपको बचाने के लिए रूम में रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। करिश्मा दीदी के पास भी हमें सेफ रखने के लिए एरिया को लॉक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। करिश्मा दीदी ने हम बच्चों को बचाने के लिए हमारी बिल्डिंग सील की। सिस्टम दीदी मैं गलत था, सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। अब मुझे सिस्टम से कोई शिकायत नहीं है, प्लीज मेरी कंप्लेंट कैंसिल कर दीजिए। और हसीना दीदी मुझ जैसे स्टूपिड को अच्छे से समझाने के लिए। आरव बेटा, अब जब कि सब कुछ ठीक हो गया है तो हम इन सबको जेल से बाहर निकालें। हाँ सीता। पंडित जी आप पहले बाहर निकलिए, बहुत जगह खाली हो जाएगी, हम चुप रहे। चाबी इलिए जी, खोल लीजिए। तो अब मैं जाता हूँ, बाय बाय बाय। देखिए हम जानते थे मैडम सर ऐसी नहीं है, वो बहुत ही बुद्धिमान और काबिल अफसर है, वो कभी भी अपना कोई भी कदम बेमतलब का नहीं उठाती, इसलिए हमें अरेस्ट करने के पीछे जरूर उनकी कोई वजह होगी, ये हम जानते थे। अब देखिए वजह भी सामने आ गई ना, कितने अच्छे से समझाकर आरोप को उसके घर भेज दिया और केस भी सुलझा दिया। हर समस्या का इलाज जड़ से करना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं ये मान अभिमान के चक्कर से बाहर निकलिए और मान लीजिए कि मैडम सर के जज्बात काम करते हैं तो करते हैं। ये डंडी देख रही हैं आप, ऐसा बोलने पर आप हमें डंडे से मारेंगी? नहीं, मान लीजिए ये जो डंडा है ये एक लकीर है, अब आप इसको छोटा कैसे करेंगे? कैसे मतलब? किसी भी एक तरफ से लकीर को मिटा कर ऐसे छोटा कर देंगे, देखिए हो गई छोटी लकीर। ये तो बहुत आसान तरीका हो गया ना पुष्पा जी, बिना हाथ लगाए बिना मिटाए बिना छोटा करे इसको छोटा कैसे करेंगे? मतलब कहना क्या चाहती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आपका डंडा लाइए। अगर इस छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दी जाए तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी। ऐसे मतलब आप ऐसे आ रही थी? अब ये जो लकीर है ना ये है हसीना मैडम, और ये जो लकीर है ना ये है हम। हमेशा हम एक गलती करते आए हैं कि इस लकीर को छोटा करके मिटा के इससे आगे बढ़ने का हम कोशिश करते रहे हमेशा, लेकिन आज जिस तरीके से हसीना मैडम ने ये केस सॉल्व किया है ना, जिस तरीके से उन्होंने आरफ की समस्या का हल निकाला ना, आज हमें विश्वास हो गया पुष्पा जी कि ये जो लकीर है ना ये बहुत पक्की और बहुत मजबूत है, इसको कैसे छोटा कर सकते हैं? ये छोटा हो ही नहीं सकता है, कहां से लाएंगे हमें इतना समझदारी, इतनी सूझबूझ पुष्पा जी, इतनी दूरअंदेशी, नहीं हो सकती ये छोटी। फिर हमने सोचा बिल्कुल हो सकता है, अगर इस लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दी जाए तो ये लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। पुष्पा जी अगर हम हसीना मैडम के नक्शे कदम पर चले, वो जिस तरीका से केस सॉल्व करती है उस तरीका से केस सॉल्व करे और उनकी तरह हम ड्यूटी करें,
कुछ अच्छा करके, कुछ बड़ा करके हम उनकी तरह नाम कमाएं। उनकी तरह ही नहीं पुष्पा जी, हम उनसे भी बड़ा नाम हो सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्योंकि क्या है ना पुष्पा जी, हम लात और जजपात दोनों का भाषा समझा पाएंगे इस समाज को। मानते हैं हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं है, लेकिन वादा करते हैं पुष्पा जी आपसे कि पूरा ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे हम। मैडम सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं आज। हमें ये कहना है कि आप नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं, आप बोलना, काहे नहीं बोल रही, बोलना जो मन में है मैडम सर को बोल देना। चलो 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 करिश्मा सिंह, हो सकता है कर सकती हो तुम। मैडम सर को बताओ कि वो कितनी गजब है, बताओ उनको कि वो हमारा एक मिनट, क्या बकवास है ये? ऐसे कोई किसी को बोलता है क्या कि आप कितनी गजब है? कुछ और सोचो, लेकिन कर सकती हो तुम कर सकती हो करिश्मा सिंह, तुम करोगी। मैडम सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस दुनिया की सबसे ज्यादा समझदार, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली औरत है। अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो भूल चुक, माफ मैडम सर। वो जो आपके अंदर ये तैरे हैं ना, जो आपके अंदर वो तैरे जाते हैं हमारे अंदर, हर किसी को माफ करने वाला वो जिगरा चाहते हैं हम हमारे अंदर। कितना कुछ किया आपने हमारे लिए, लेकिन कभी नहीं जताया। वो जो ऊंचा व्यक्तित्व है ना मैडम सर आपका, हम वो चाहते हैं हमारे अंदर। बस इतना ही कहना था मैडम सर आपको। तजुर्बा कहता है हमारा, बड़ा माफ करने वाला नहीं, गलती मानने वाला होता है। और आज करिश्मा सिंह, आपने अपनी गलती मानकर हमारे दिल में अपनी जगह और बड़ी कर ली है। आई एम प्राउड ऑफ यू। हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर, बहुत 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 ज्यादा मानते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कभी जताया नहीं, भावुक नहीं करिश्मा से, भावुक नहीं होना है, भावुक नहीं होना है, बिल्कुल भी भावुक नहीं होना है। कह देंगे हम, ऐसे कह देंगे हम अपना बात मैडम सर को, अभी कहेंगे। हेलो हेलो मैडम सर, हम बोल रहे हैं। हम जानते हैं, नाम लिखा हुआ आता है फोन पर। कहिए कैसे फोन किया? मैडम सर वो मिलना था आपसे। आप हमसे मिलना चाहती हैं? जी, अगर आपको एतराज ना हो तो कॉफी पर मिल लें मैडम सर। कॉफी पी सकते हैं आप? करिश्मा सिंह, आप ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको कहीं बुखार वगैरह तो नहीं आ गया? हाँ मैडम सर, जी बिल्कुल, एकदम एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे हैं हम। आप मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, एड्रेस भेज दीजिए, हम पहुँच जाएंगे। धन्यवाद मैडम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हम इंतजार करेंगे आपका। जय हिंद। जय हिंद। ईका, दोनों मिलना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है दोनों के बीच में? ठीक है, तुम डाल डाल, हम पात पात, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। वैसे भी कितना भी जोर लगा लो, तुम दोनों के बीच का खाई हम भरने नहीं दूंगा। बुलबुल पांडे नाम है हमारा। रिपोर्टर साहब, हमने आपसे कहा था ना कि बुलबुल पांडे से वफादार रहेंगे तो एक दिन बहुत ही ऊंची उड़ान भरेंगे।
समय आ गया है उड़ान भरने का। ये लो और जाकर दे दो अपने बॉस को और छा जाओ मीडिया वर्ल्ड में। ये क्या है? तुम्हारा किस्मत का चाबी। इसमें डिपार्टमेंट के खुलासे का वो सनसनीखेज ऑडियो है जो अगर दुनिया के सामने आ जाए तो बवाल मच जाए और उस बवाल की गूंज दुनिया सालों तक सुनेगी। ये तुम्हारी पोस्टर गर्ल करिश्मा सिंह और महान महिला थाने की महान SHO हसीना मलिक, इन दोनों का सच सारी दुनिया के सामने आ जाएगा और उस सच सामने लाने का सहरा बंधेगा तुम्हारे बॉस के चैनल के सर पे। का समझे? बस अब हमारे इशारे का इंतजार करो और जैसे ही हम कहे ये ऑडियो मीडिया में डाल दो। बेफिक्र रहिए पांडे साहब, ऐसा ही होगा। धन्यवाद। इकबाल, अरे तैयारी होगी ना सब? अपने महिला पुलिस थाने वाले वापस अपने थाने आते ही होंगे। अरे हमें तो खुश होना चाहिए। तू इस थाने की तरफ मुंह लेकर मुंह लटका क्यों बैठा? अरे बदनाम भाई, इन थाने वालों को बहुत मिस किया है। अरे हमने भी बहुत मिस किया इस थाने को, बहुत प्यार देते थे। कितना उधार लेते थे? अरे सही बोले। अरे पुष्पा जी को देखो, हमारी उम्र क्या है, हमने देखा है क्या? ऐसा बोलते बोलते एक एक दिन में 20-20 चाय पीती थी। अरे मैं बता रहा हूँ ना, एक दिन छाती पकड़कर ऐड जाएगी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अपना चोर चांडाल बिल्ला वो। सर पे एक बाल भी नहीं है, बस इकबाल की दुकान नजर आती है। इकबाल ये बाल इधर कर दे, ये बाल इधर कर दे, बाकी छोड़ दे। अबे तेरे सर पे बाल हैं किधर? बात तो ऐसे करता जैसे जंगल उगा रखा है। अरे ये तो कुछ नहीं है, संतु को देखिए, बेचारी दिखती इतनी सी है और चाय भी इतनी सी पीती है, लेकिन इसके पीछे चीता चार चार चाय पीता है। हाँ वो तो लोफर पीता ही है, लेकिन संतोष जी भी कम नहीं है। ऐसे दिखने में पतली ऐसे है, एक टाइम में 2.5 किलो बिरयानी एक साथ खाती है। अरे उसको हम भूल ही गए। किसको? आओ बताता हूँ। हाँ बताओ बताओ बताओ, किसको? बताओ तुमको सबसे बड़ा मुफ्तखोर कौन है? कौन है कौन है? अरे बुलबुल। अरे सुना इस थाने में नियुक्त हो गया है। अरे नहीं यार, वो आ जाएगा तो हमारी बिरयानी उधार में सारी की सारी खा जाएगा। वो मोटा हुक्कड़ केंडा, अरे उसका बस चले ना, वो डायनासोर को भी चबा जाए। देखना बदनाम भाई, अगर आपकी बार इन थाने वालों उधार लगाया ना तो हम हसीना मैडम से कंप्लेन कर देंगे। ए इकबाल, अरे दिल पे मत ले, ये बात दिल पे मत ले। अरे कुछ भी हो जाए, है तो अपने 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 होते, बस इस थाने में आ जाए एक बार। हाँ यार सही बोल रहे हो, अपनी फैमिली है, दिल नहीं लग रहा इन थाने वालों के बिना। हमारा भी, हमारा भी। जय हिंद जय हिंद। वो क्या है ना बदनाम, कि तुम्हारे हाथ की चाय पीने की इतनी आदत हो गई है कि अच्छी चाय हमें पसंद ही नहीं आई। सच में बहुत मिस किया तुम सबको। और हाँ एक चीज और, अब से कोई उधारी नहीं, तुम्हारा जितना पुराना हिसाब है वो सब हम क्लियर कर देंगे और आगे से उधारी बिल्कुल नहीं होगी। शुक्रिया शुक्रिया हा? शुक्रिया शुक्रिया। दो बाल, एक बार दो बाल बोला। पहले तो मैं अपना बिल्लू निवास का दर्शन करूंगा, बाद में तुम दोनों को मेरा दर्शन दूंगा। चलो। अरे अंदर नहीं, अंदर नहीं, अभी अंदर नहीं, बहुत बड़ा बवाल है अंदर। का रे काहे नहीं जाए अंदर, का बवाल आया हुआ है? अरे भैया अभी अंदर जा नहीं सकते, प्लीज समझा करो, बाद में आएगा, जाइए बवाल चल रहा है। बाद में बाद में बाद में। अब तो देखना ही पड़ेगा क्या है, आइए। तुम यहाँ रुको, हटो। हाँ ए पैसे हिसाब में लिख लेना। अरे व्हाट व्हाट, अरे ये क्या किया तुमने? म्यूजिक बंद कर दिया? कम ऑन मैन, कम ऑन, आई वाज एंजॉयिंग सो मच यार। पिप कम ऑन, म्यूजिक ही बंद किया तुमने यार। पिप खाली देखने से ही बनच्चर लग रहा है, बाकी सभ्य और शिष्टाचारी मालूम पड़ता है। संतु जी को बेब बुला रहा है, बेब बेब, बेब पंजाब में बेब मतलब माँ होता है, जानते हैं हम। हे कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हे लिसन लिसन, ये वो बोरिंग वाला बेबे नहीं है, ये वो बेबी वाला बेब है, वो ब्यूटी वाला बेब है ना। सुनो ये जो तुम बोल रहे हो ना संतु जी, एक मिनट, हम
अरे का बोला तुम, का बोला तुम्हें? तुम्हारी लहसुन के खेत में ना हल जोत देंगे हम। अबे का चीज का हो तुम हा? एक तो पहले घुसपैठिए की तरह हमारे ही थाना में घुस आए तुम, यहाँ पर ये सब लाइट वाइट लगा दी, गाना बजा दी, ऊपर नृत्य कर रहे हो, पर हमारी संतु जी को हमारे सामने ही बेबी बुला रहे हो। ए बाबू एक मिनट, एक मिनट, एक्सक्यूज, मैं देखता हूँ। जंजीर देखिए, कुत्ते की, अमिताभ बच्चन की। हाँ देखी ना, समझाने में आसान पड़ता है। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर। ये घर मेरे बाप का ही है। मैं इस हवेली के मालिक नवाब फखरुद्दीन का इकलौता बेटा हूं, और इस नाचीज को नवाब रईस कहते हैं। नवाब रईस, एट योर सर्विस। और आज मैं यहां पे इस जगह का रेंट कलेक्ट करने आया हूं। सब रेडी हो? हाँ, अब याद आया हमें, आप नवाब साहब की छोटी बेगम मुमताज के बेटे हैं ना, जो विलायत पढ़ने के लिए गए थे। या या या। पुष्पा जी, विलायत तो गए थे लेकिन पढ़कर आए ऐसा लग नहीं रहा है। चेहरा भी तो देखो कितना एकदम अपनी अम्मी की तरह है। हाँ या या, आई नो आई नो, इनकी अम्मी के भी दाढ़ी थे। दाढ़ी? मजाक कर रहा है चीता। अरे पूछो मत, क्या पूछ थी इनकी अम्मी की। हाँ पूछ थी, पूछ। ओहो, ऐसी वो पूछ वाली पूछ नहीं। हाँ। पूछ 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 वाली, मतलब लोग बहुत मानते थे उन्हें। हाँ, इतनी दरियादिल, मददगार, सबकी मदद करने वाली, ऐसी बहुत अच्छी महिला थी वो। आपको सब पता है ना नवाब साहब के बारे में पुष्पा जी? अब मकान मालिक है तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ना। होनी चाहिए ना बेटा जानकारी। आदि जानकारी, रकम, 6 महीने का रेंट था ना, आपने 5 महीने का दिया, बाकी कहाँ है? आप बैठ जाइए, बचे हुए पैसे भी आपको मिल जाएंगे। बैठिए बैठिए भैया, बैठिए। यार कम ऑन, कब? मुझे लग रहा था कि आज आप सारी रकम क्लियर कर देंगी। एक मिनट, हम सारा रेंट आपको आज कैसे दे सकते हैं? हम अभी अभी तो इस थाने में वापस आए, 1 महीने से तो हम यहाँ थे भी नहीं, हम किसी और थाने में थे, टेम्पररी थाने में, और हमने वहाँ का भी रेंट दिया है। अब यहाँ वापस आए हैं, धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही हैं, जैसे जैसे सरकारी फंड रिलीज होगा आपको अपने बचे हुए पैसे भी मिल जाएंगे। तो फिर अब और क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूँ आपको, सनग्लासेस 5,000 रुपए, घड़ी इम्पोर्टेड है, महंगा होगा बहुत, 2,00,000 रुपए। 2,00,000 की घड़ी जीते समय खुद आता है क्या चाबी देने? ये जूते इम्पोर्टेड है जी, क्या कीमत है? 40,000। ये ब्रेसलेट 70,000। ये चेन 3,50,000। ये आउटफिट 60,000 रुपए। हे बाबा, ये तो चलता फिरता एटीएम है। अच्छा हुआ मैंने धंधा छोड़ दिया, वरना पत्ते लपेट कर घर जाना पड़ता। मिस्टर रईस साहब, जरा पॉइंट पर आएंगे। पॉइंट की बात ये कि मैंने सारी चीजें खरीदी नहीं है। तो चुराए हो? ईएमआई किश्ते, यू नो। कर्जा पे चल रही है अंग्रेजी मुर्गा का जिंदगी। और बहुत सारी चीजें जो मैंने ईएमआई पे ली है, लेकिन बात अब ये है कि अगर मैं इन चीजों को पहनूं या ना पहनूं, यूज करूं या ना करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ईएमआई ऑन टाइम पे करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही आप ये जगह यूज करें या ना करें, दैट इज नॉट माय कंसर्न, आपको रेंट ऑन टाइम पे करना पड़ेगा। हाँ, तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप आज सारा रेंट पे नहीं कर सकते तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। हाँ, तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप आज सारा रेंट पे नहीं कर सकते तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली खाली खाली, ऐसे कैसे खाली? अभी अभी तो मैं अपने बिल्लू निवास में आया हूँ। और अभी खाली करे? नहीं नहीं, ये मैं अपना बिल्लू निवास खाली नहीं करूंगा। पुष्पा जी, ए बिल्लू चुप करो। माफ कीजिएगा हसीना मैडम, बात कड़वा है लेकिन सच है। अभी मकान मालिक है, इन्हें अपना रेंट मांगने का तो हक है ना, बात है कि नहीं?
इतना मतलब फिर भी समझना चाहिए ना कि इस महामारी में मुंह उठा के इतना बड़ा फंड मांगने आगे आएगा कहां से इतना बड़ा फंड ना आप कहे तो दुई थो हाँ क्या 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 ना मतलब नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है देखिए मिस्टर रईस हम नवाब साहब से बात कर लेंगे नहीं नहीं उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है इस नो मोर क्या नो मोर पुष्पा जी पुष्पा जी I mean, he's no more into this business. Officially, वो retire हो चुके हैं. तो अब जो भी संभालता है, वो मैं संभालता हूँ. Since I'm the boss. बेटा रईस, हम क्या कह रहे थे? अरे आप क्यों time waste कर रही हैं आंटी? एक second, आपने आंटी बोला? आप आंटी कैसे बोल सकते हैं? आपको ये कौन से एंगल से आंटी लग रही पुष्पा जी? संतु, आपको कोई भी आंटी बोले ना मैं सुन नहीं सकती. हाँ हाँ आपने आंटी क्यों बोला? अरे संतु, छोड़ो ना. रहने दो ना नवाब साहब का बेटा है ना हाँ तो आंटी मैं ये कह रहा था कि सी आई एम नॉट लाइक माय डैड तो मैं ये इमोशनल फूल नहीं हूँ एंड आपको अजीब पे करना होगा वरना आपको ये जगह खाली करनी होगी तो मिस्टर रईस देखिए बात ऐसी है कि अभी जितने पैसे दिए हैं वो रख लीजिए हम बचे हुए बैलेंस पैसे आपको बाद में दे देंगे बाद में कब देंगे आप जब सरकार से हमें फंड मिल जाएगा तब हम आपको बचे हुए पैसे दे देंगे ठीक है लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम ये जगह छोड़ दें तो हम ये जगह छोड़ के चले जाते हैं लेकिन उसके बाद आपको ये पैसे भी नहीं मिलेंगे फिर आपको सारे पैसे मिलेंगे पूरे लीगल प्रोसीजर हो जाने के बाद और जिसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं बेटा है? महीने भी और कुछ साल भी और... या फिर कभी नहीं फिर तारीख पे तारीख 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 बिल्लो सोच लीजिए मिस्टर रईस टेक इट और लीव इट क्या मुसीबत है इतने पैसों से ईएमआई तो नहीं चुका पाऊंगा कुछ और जुगाड़ करना होगा अभी ये तो कबूल कर रईस ना इससे भी जाएगा अब ठीक है जितने पैसे आपने दिए मैं रख लेता हूँ लेकिन बैलेंस अमाउंट आपको बहुत जल्दी देना होगा अभी के लिए मैं चलता हूँ का चल रहा है ये हैप्पी वाला बर्थडे मुबारक हो मैडम अच्छा हमारा हैप्पी बर्थडे है आज हम पैदा हो गए और हमें नहीं पता कि हम पैदा हो गए हैं किसने कहा हमारा हैप्पी बर्थडे आज वो आप सुबह जब थाने में आई थी ना तो आपके हाथ में गिफ्ट था तो हमें लगा कि आपका बर्थडे होगा इसीलिए नहीं मतलब हाथ में अगर गिफ्ट है तो तुमको लगेगा कि हमारा बर्थडे होगा मतलब कोई और त्योहार पे गिफ्ट का आदान प्रदान नहीं होता है क्या हमारे हाथ में गिफ्ट था लेकिन वो हमारे लिए नहीं था हम किसी को देने के लिए लाए हैं समझ गए मैडम मतलब वो गिफ्ट आप किसी को देने के लिए लाई थी नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंसान से केकड़े काहे हो रहे हैं आपके लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट हमको पता है मैडम वो गिफ्ट आप हमारे लिए लेकर आई हैं अमाओ किसी के लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट अच्छा नहीं मैडम वैसे वो गिफ्ट आप लाई किसके लिए थी नहीं नहीं पर्सनल है तो मत बताइए नहीं ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है वो हमें गिफ्ट लाए थे हमारी मैं भग तुमको काहे बताएं हम किसके लिए गिफ्ट लाए थे कुछ चीजें पर्सनल नहीं भी होता है ना फिर भी पर्सनल होता है समझ गए जाइए सब सब काम पे लगिए अपने जाइए जाइए इतने प्यार से गिफ्ट लाए थे हम इन्हें देखिए कैसे गुस्सा कर रही है एक मिनट का बड़बड़ा रहे हैं सुनाई आ रहा है हमको यही कह रहे थे मैडम कि इतने प्यार से आपके लिए गिफ्ट लेकर आए थे हम सब कहां से अम्मा दिखाओ 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 का गिफ्ट लाए हो दिखाओ जल्दी दिखाओ एक मिनट मैडम लेकर आते हैं
ये देखिए मैडम, किसका रोशन ख्याल है ये? किसको लगा कि हमको ये देना चाहिए? ये तो मैडम आप लड़की है ना? का है, तुमको शक है का? भई तुम जबान ना अपनी हाइट के हिसाब से चलाया करो। ए महाराज, मुंह में डालिए उसको। ए बक, हाँ जी। तो लड़कियों को टेडी पसंद होता है ना, एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह। भाई कभी दुखी हुए तो लिपट के रो लिए, खुश हुए तो हग कर लिया, और कभी नाराजगी हो गई तो चार बातें भी सुना दी, और कभी प्यार आया तो किसी कर दी, और कभी अगर गुस्सा आया तो चाल लगा भी दिए, ऐसा करके। तो बताइए मैडम, कैसा लगा आपको? हमारा भी बहुत जोर से मन कर रहा है कि हम एक जोर से लगा दें। लाओ 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 लाओ। बहुत बढ़िया, जाइए अभी आप काम पे लगिए। और ये हम लगाए थे आपके लिए। हैप्पी बर्थडे, ये हटा दीजिए इसको। अच्छा, उसको भी हटा, ये पकड़िए। अरे आप लोग कर लीजिए, हम बहुत थक गए हैं सवेरे से काम करके। कहाँ फंस गए हम दो पालों के पीछे? जबरदस्ती हमारा जन्मदिन मना रहे, बताओ, गिफ्ट देने का भी अक्कल नहीं है। ऐसे हम आशा करते हैं कि मैडम सर को हमारा तोहफा अच्छा लगेगा और वो हमको टोपा नहीं समझेगी। ये पकड़िए और सुनिए, हम आपको ना ऐसा इशारा करेंगे, आपको तब ये गिफ्ट लेकर आना है, समझे? समझ गए मैडम, समझ गए। कैसा इशारा करेंगे? ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हुआ, इशारा करेंगे तब आ जाए। मैडम सर, जय जय हिंद। करिश्मा सिंह, रिलैक्स, हम थाने में नहीं है, बैठ जाइए, अच्छी जगह है जी। और मैडम सर, आपको कैसा लग रहा है पुराने थाने में वापस शिफ्ट हो गए? ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है मैडम सर, आप कॉफी पियेंगी? हाँ हाँ, प्लीज ऑर्डर कीजिए जी। कॉफी, कॉफी लाइए, कॉफी ला रहे। हाँ तो क्या कह रही थी आप? हम ये कहना चाह रहे थे मैडम सर कि ये बताना। ओह शुक्रिया मैम, लाऊं? बाद में। क्या बाद में? वो बिल बाद में, बिल बाद में लाइए। हाँ बिल तो बाद में ही आता है ना? हाँ वही मैडम सर, बाद में आता है ना, वही टोपा आ रही है, बाद में लाइए ना आप। ओके ओके ओके। तो आप कुछ कह रही थी? हाँ वो हम ये कह रहे थे मैडम सर आपसे कि ये मतलब हमारा मतलब ये था कहने का। देखिए ना मैडम सर, जब आपके सामने खुलते हैं तो ऐसा खुल जाएंगे कि पूरी बॉर्डर की जितनी भी सीमाएं हैं सब पार कर देते हैं हम, और जब नहीं खुल पाते हैं तो देखिए कैसा हालत हो रहा है हमारा। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा ये फिटिंग ही खराब है। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम थाने में नहीं हैं, हम आपके सीनियर नहीं हैं, आप जो कहना चाहती हैं एक दोस्त की तरह कहिए, आराम से, बेधड़क बेझिझक। दोस्त बनकर? हाँ क्यों, हम इतने बुरे हैं क्या? नहीं नहीं मैडम सर, आप बहुत अच्छी हैं, हमारी नज़र में आपका दर्जा बहुत ऊंचा है मैडम सर। पता है क्या, जब भी आप ये जानना चाहें ना कि आप सबसे करीब किससे हैं, तो अपनी आँखें बंद करिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी परेशानी में याद करेंगी, सबसे पहले फ़ोन करेंगी, और जिसका चेहरा सामने आए वही है आपका सच्चा दोस्त। दरअसल क्या है ना, दोस्ती के मामले में ना हमारा जिंदगी कंगाल ही रहा है हमेशा। स्कूल टाइम में ना हमारा एक दोस्त हुआ करता था, एक बार दो चार लड़के ना उसको चिढ़ा रहे थे तो हमसे देखा नहीं गया। हम गए वहाँ पे, हमने तीन चार कंटाप लगा दिए और घूसे लात भी लगा दिए, तो एक आध का ना हाथ टूट गया था। उसके कारण हमें स्कूल से ही निकाल दिया, कुछ टाइम के लिए निकाल दिया था स्कूल से। लेकिन हमें एक इस बात का बहुत गर्व था मैडम सर कि जब हमारे दोस्त को हमारा ज़रूरत था ना, हम उसके लिए वहाँ थे। लेकिन शायद हमारे दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने उसके बाद से हमसे कभी बात ही नहीं किया, कभी मुँह ही नहीं दिखाया। तब से हमारा दोस्ती से जो है ना, वो उसके बाद से हम कभी दोस्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने दोबारा से दोस्त बनाया और दोबारा से उसने हमें धोखा दे दिया तो फिर ये दर्द जो है ना, वो हम दोबारा झेल नहीं पाएंगे।
बाहर से इतनी कड़क करिश्मा सिंह, अंदर से इतनी नर्म दिल है। पता है इसमें नुकसान उस लड़के का है, क्योंकि उसने आपके जैसी बहादुर और लॉयल दोस्त को खो दिया। मैडम सर, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स, अम्मा, तुमको बुलाया किसी ने? आप ही ने तो कहा था ऐसे ऐसे करेंगे तो लाने का। हाँ मतलब ऐसे सर पे हाथ रखेंगे तो क्या सर पे ही चढ़ जाओगे हमारे? एक मिनट, ये क्या है? दीजिए, आप जा सकते हैं। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हमारे लिए? अरे वाह, ये बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया हमने आपको समझने में। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा। हमेशा हमें माफ कर दिया, हमारी नादानियां, हमारी नाजायज हरकत सब माफ कर दी। मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ये इज्जत सम्मान जो है ना, ये आपके आगे बहुत छोटा शब्द है मैडम सर। आपने जो हमारे दिल में जगह बनाई है ना, जो सम्मान है ना, वो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमें। आप माफ कर सकती है तो आप हमें माफ कर दीजिए। लगा रखा है ये? नहीं, थोड़ी खोपड़ी में थोड़ी समझ है कि नहीं है? इतना जोर से म्यूजिक सुन रहे, हमारे कान का पर्दा नहीं फट सकता? तुम्हारे कान में नुक्स है क्या? क्या चीज हो तुम? अरे दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं कौन? अरे नवाब साहब का बेटा। रईस, अबे शांत हो जा, नहीं तो मैडम का एक कंटाप लगाना तो रईस से सीधे फकीर बन जाएगा। अब मैडम, आपने बताया नहीं कि आप नवाब के खानदान से? हम आओ टोपा लोग, जो बात करने आए वो बात कर ले अभी यहाँ पे। हाँ, आप भाई साहब नवाब साहब के बेटे हो तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया कि आप पब्लिक में ऐसा शोर मचाएंगे? तो मर्जी, चार्ज लगाइए पब्लिक प्लेस में निर्धारित सीमा से अधिक शोर मचाने का, और इनसे जुर्माना भी लीजिए। अभी लगाते हैं मैडम। जुर्माने ही तो देने आए दीदी। क्या एक मिनट, क्या चल रहा है ये सब? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, इतने सारे पैसे क्या रिश्वत दे रहे हैं आप हमको? हर रिश्वत? हमारी मैडम को रिश्वत देता है? खड़ो जा। अरे चुप रहो यार, मैं कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूँ दीदी। वो एक्चुअली क्या है कि ये जो पैसे है ना, ये मेरे डैड के पाप की वो कमाई है जो उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कमाई। महिला थाने से उन्होंने पैसे कमाए, महिला थाने से, वो भी रेंट के नाम पर। नहीं तो गलत क्या किया? नवाब साहब की जगह है, नवाब साहब ने अपनी जगह का रेंट लिया, उसमें गलत क्या किया? अरे कैसी बातें कर रही है दीदी आप? पुलिस से? अरे पुलिस से पैसे लिए उन्होंने? वो पुलिस जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो सकते हैं। अरे पुलिस इज लाइक गॉड फादर फॉर अस। दीदी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है दीदी, ये जो पैसे है ना, मेरी तरफ से दीदी, छोटी सी डोनेशन समझ के रख लीजिए प्लीज। बहुत अच्छा लगा पुलिस कर्मियों के बारे में आपके जो उच्च विचार है उसको सुनकर। प्लान वर्क कर रहा है।
पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे रईस, ये आप गलत जगह आए हैं ना। नहीं, इसके असली हकदार हम नहीं है, इसके असली हकदार है महिला पुलिस थाना, मैडम सर। आप वहाँ जाइए। अरे पहले वही गया था दीदी, पर आप नहीं थे ना वहाँ, आप तो यहाँ है। और कहते ना, एप्रिसिएशन सिर्फ वो डिजर्व करता है जो उसका हकदार हो, और सब जानते हैं कि ये महिला थाना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से दीदी, सिर्फ आपकी वजह से। हसीना मैम तो सिर्फ वो, शी इज कम्प्लीटली यूजलेस, वो तो सिर्फ नाम की थाना इंचार्ज है। एक शब्द और बोला ना मैडम सर के बारे में तो यही जिंदा काट देंगे तुमको, समझ में आ रहा हमारी बात को? पकड़िए अपने पैसे और दफा हो जाइए यहाँ से, निकलिए निकलिए। क्या कर रहे हैं? संभाल, सिचुएशन संभाल, पूरा प्लान खराब हो जाएगा। सॉरी दीदी, सॉरी, मेरे कहने का मतलब बुरी था, सॉरी दीदी। अगर आपने मुझसे ये डोनेशन नहीं ली दीदी, मैं कसम से बता रहा हूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। इसकी मैया कसम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, खड़े हुई खड़े हुई खड़े हुई, पैर छोड़िए हमारा, खड़े हुई। थैंक यू दीदी। ठीक है, आप तो मर्जी, रसीद बनाइए और ये डोनेशन इनसे ले लीजिए, हम महिला पुलिस थाना होकर आए। पर दीदी, वो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब का रिक्वेस्ट है? ओ, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? लीजिए लीजिए। बहुत अच्छा। आप अच्छे हैं ना? धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे आप। अपना काम तो हो गया। लाओ भाई अपना नाम लिखाओ। हाँ हाँ हाँ, लिखो लिखो। ए चीते, जल्दी कर, मुझे जेरॉक्स लेना है। जल्दी। कैसी लगी? हाँ, सुबह से बेचारा बोल रहा था ये थाना पहले जैसा थाना नहीं लग रहा है। मिल गया ना डोज, अब लग रहा है ना? बहुत जोर से लगा, इस कान से नहीं सुनने की आदत छूट गई थी, अब बंद हो गया। ठीक है अभी, थैंक यू, वेलकम। क्या परमानेंट आ रहे हैं जो वेलकम कर रहे हो? यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि बिल्लू के कान के नीचे लगाते चले, हाल चाल सबका पूछते हुए जाए। तो पूछ लो, कैसे है सब? जय हिंद। जय हिंद। और संतु, क्या हाल है? सब बढ़िया यहाँ पे? मैडम, जो सच है वो बताइए ना, आप मुझे मिस कर रही थी तो मिलने आई है यहाँ पे। वाकई बहुत मिस कर रहे थे, तुम ही तो हमारी जिंदगी हो। हमारी भी मैडम, सेम टू सेम। थैंक यू संत जी। बदनाम का सड़ा हुआ चाय भी बहुत मिस कर रहे थे तो सोचा कि आपने याद किया, बंदा हाजिर मैडम। लीजिए लीजिए अब चाय, बदनाम की चाय बहुत याद आ रही थी ना आपको, अब झेलिए। क्यों तंग कर रही है पुष्पा जी आपने? जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये इनका ही तो थाना है, ये जब चाहे यहाँ आ सकती, यहाँ आने के लिए इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, राइट? बदनाम, एक चाय हम भी पियेंगे। और संतु, और क्या चल रहा है बताओ, कुछ थाने में कुछ क्या नया? हाँ मैडम, इस थाने का तो मुझे लगता है वास्तु ही गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो मतलब चलता ही रहता है। अभी वो नवाब का बेटा रहीस आया था और 6 महीने का एक साथ रेंट मांग रहा था, तो मैडम सर और उसकी थोड़ी खिचखिच हो गई। हम हैंडल कर लिया हमने। रेंट मांग रहा था? हाँ, क्यों? नहीं, उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। लेकिन मैडम, वो आपको कहाँ मिल गया? थाना में आया था। आपके? हाँ, आया और बोल रहा था कि रेंट वापस करना है। अरे ये न्यूज़ में कुछ तो भी बवाल मचा हुआ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, सनसनीखेज खुलासा, पुलिस डिपार्टमेंट में चल रही मिली भगत का भंडाफोड़, एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले की कमजोरी पर डाला पर्दा, नामी अफसर स्कैम में शामिल। देखिए सबूत और खुद कीजिए फैसला सच और झूठ का। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी मदद की वजह से सॉल्व हुए हैं, वरना शायद नहीं हो पाते। बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फंस गई थी। हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस मुश्किल से उन्हें निकाल पाए। महिला थाने की SHO हसीना मलिक के इस बयान के बाद अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती है तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की, और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज?
बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया था। अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती हैं, तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज? बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया है। बुलबुल पांडे आप चुप रहे। करिश्मा सिंह, हाँ, हाँ, हमने ऐसा ये तो सब झूठ दिखा रहे हैं। बात ऐसी नहीं हुई थी। मैडम सर, आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? देखिए, आप हमारी बात समझ। हाँ या ना मैडम सर? हाँ। हमने आपसे कहा था ना मैडम सर, एक और धोखा मिलेगा हमें तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात नहीं, एकदम सही किया आपने मैडम सर, इसी लायक हैं हम। हाँ पुष्पा जी, बहुत सही किया। हम हैं ही नहीं काबिल, हम बन ही नहीं सकते हैं कभी काबिल। सही किया मैडम सर आपने, बहुत अच्छा किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, देखिए आप। अरे सुनिए तो सही, ये क्या है सब? आपको कुछ हुआ मैम? एक मिनट, अभी हमें किसी से बात नहीं करना है, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या मैडम? हमने कहा ना, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें किसी से बात नहीं करना, नहीं तो मार डालेंगे सबको। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर, बहुत 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 ज्यादा मानते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कभी जताया बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा। मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। शिवजी, अब बस आप ही का सहारा है हमारी बहू रानी को शांत रखना। अब इतना सब कुछ कल हो गया है, पता नहीं अब क्या चल रहा होगा उनके गर्म दिमाग में। वैसे भी उनकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं हमने,
शायद इसे खाने के बाद उनका मूड ठीक हो जाए। अम्मा क्या बना दिया ऐसा हमारे कमरे तक, सर हमारा मनपसंद चीज बनाया आपने। अम्मा आप खाएंगे, अभी खाएंगे, हमसे नहीं रुका। हाँ हाँ खाओ ना। जान मुझे बनाया ना आपने हमारा सारा मनपसंद चीज। अच्छी लगी क्या? आलू पूरी सब्जी बनाई है आपने अम्मा, मजा आ गया। आई लव यू। देखा हम तो खामखा परेशान हो गए थे। अच्छा लगा तुमको देखकर कि कल वाली जो भी बात हुई दिल पे नहीं ली, और ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप समझ गई कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें मैडम सर की कोई गलती नहीं है। कौन मैडम सर? हाँ कौन मैडम सर, किसका बात कर रही हैं आप? खीर, खीर भी बनाया आपने? अरे क्या कौन मैडम सर, अपनी मैडम सर हसीना मैडम, और कौन? किसका बात कर रही, हम नहीं जानते कौन हसीना मैडम। आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप मैडम सर को नहीं जानती? हमारी तबीयत एकदम चौकस है और ये खीर भी एकदम चौकस है। और 8 बज गया है, पुष्पा जी फटाफट जाते हैं, हम थाना में लेट जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। आ जाइए शाम को मिलते हैं आपसे। अरे मगर अपना डब्बा तो लेके जाइए ना, और हमें भी तो साथ में लेके चलिए। मलाई का हम भी निकल रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं आप पहले हमें हमारे थाने छोड़ दीजिए, फिर आप आगे चले जाइए। काहे मतलब? अरे हमें देर हो रही है ना, आप उसी तरफ जा रही है, छोड़ दीजिए। अब अपनी सास के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप। कौन सास? कौन सास? आप अपनी सास को भी भूल गए क्या? नहीं पुष्पा जी, हम अपनी सास को नहीं भूले हैं, लेकिन हम आपको कुछ बता रहे हैं अभी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए सीरियस वार्निंग है। हाँ आप है सास हमारे लिए घर के अंदर, लेकिन बाहर इस वर्दी में रिश्तेदारी का लिबर्टी खत्म। बाहर आप हमारे लिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह महिला थाना जनपद लखनऊ है, और हम आपके लिए SI करिश्मा सिंह थाना प्रमुख जानकीपुरम है। बस इस रिश्ते से इंच भी इधर उधर हुआ ना पुष्पा जी, तो मैया कसम हम आपका ऐसी जगह पर ट्रांसफर करवा देंगे कि वहां आपको गोलगप्पा तो क्या, आपको हवा का फुग्गा भी खाने को नहीं मिलेगा। तब ये जो रिश्तेदारी का चम्मच है ना, ये मैडम सर की कड़ाई में जाके आप चलाइए, यहाँ नहीं, हमसे थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये टिफिन तो लेके जाइए, इतना प्यार से बनाया आपके लिए आलू पूरी। आपने अपनी बहू के लिए बनाया था, बहू ने खा लिया, तारीफ भी की, इतना अच्छा बना था कि आपको एक पुच्ची भी दे दी। अब हम बाहर है घर से। तो क्या बात कर रही है पुष्पा जी, ऐसा बोली करिश्मा मैडम? और नहीं तो क्या, और बिना टिफिन लिए चली गई। अरे तो फोन करना चाहिए था ना पुष्पा जी, मैं अपना टिफिन नहीं लेकर आती। पुष्पा जी ये जी मैडम सर, मैडम सर आपको नहीं लगता आपको करिश्मा मैडम से एक बार बात करनी चाहिए? नहीं पुष्पा जी, करिश्मा सिंह फिलहाल गलतफहमी के इतने बड़ी खाई में जाकर बैठी है ना कि कोई भी रोशनी उन तक नहीं पहुंचेगी। हमको तो गुस्सा आ रहा है उस कमीने इंसान पर जिसने आपका ये ऑडियो क्लिप जो है वो रिलीज कर दिया। ससुरा खून खौल रहा है उसके बारे में सोच सोच कर जिसने राम बलराम का जोड़ी में तरार डाल दिया है। हमारे हाथ में आ जाए ना तो उसका गर्दन पकड़ के ऐसा घुमा दे। अच्छा हसीना जी एक बात बताइए, जब आपने ये बात कहा था, मतलब जिस भी भाव से कहा था, जिस भी इमोशन से कहा था, आपके साथ में कौन कौन था? हाँ हाँ मैडम सर बता दीजिए, क्या पता इस बात से कोई नई बात सामने आए और कहानी एकदम से घूम जाए। उस वक्त तो हम सब थे मैडम सर के साथ, और मैडम सर ने ये जो कुछ भी कहा हम सबके सामने ही कहा। हाँ। हाँ। क्यों? अच्छा आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग में से ये सब कोई लीक किया है ये वाला ऑडियो? हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है होने को तो। अरे लालच के हवा का क्या भरोसा, कब किसकी तरफ घूम जाए। हाँ हाँ शक की सुई का क्या है, कभी उधर कभी इधर भी घूम सकती है, ये सच की हवा है, कोई भी खा सकता है।
अरे थाना अब हमरा भी है, ये सच का हवा हम खाएंगे। बिल्लू, पुलिस ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं? सॉरी बोलो। सॉरी सर। जाओ अंदर, जाओ जाओ, काटना मत, जाओ अंदर। और मिस्टर बुलबुल पांडे, मैडम हमें अपनी टीम पर बहुत भरोसा है, इंक्लूडिंग बिल्लू चंपत। ये काम इनमें से किसी ने नहीं किया, और ये काम किसने किया है इसके बारे में हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चाय पिला बदना। पुष्पा जी, उधर देख। नवाब साहब, पुष्पा जी। अरे ये क्या हो गया, क्या हालत हो गई है आपकी? छड़ी आपकी गाड़ी से सीधा साइकिल, और गाड़ी बेच के इतनी रकम मिली। पुष्पा जी, मेरे दिल के चालों को मत फोड़िए, वरना मेरे ना अश्कों के सागर से ना आपका ये थाना जो है ना वो बह जाएगा। मेरी बड़ी स्थिति खराब हो गई है पुष्पा जी, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। पुष्पा जी आप ना हमारा किराया दिलवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं ना कि अगर पूरा ना दे सको ना तो कह दो कि आधा ही दे दे हमको, हम ना अपने दिल के दर्द को लेके यहाँ चुपचाप चले जाएंगे। नवाब साहब, नवाब साहब, एक मिनट, हम आधा किराया पहले ही दे चुके हैं। क्या? हाँ, ये आधा किराया आपने दे दिया? अरे किसको दे दिया, कब दे दिया, हम तो अभी आए हुए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, आपका लड़का आया था ना वो रईस, अरे वो नालायक यहाँ आया था। अरे आपने उस नामाकूल को पैसा क्यों दे दिया? हसीना मैडम, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पूत सपूत तो कहा धन संचय, और पूत कपूत तो कहा धन संचय। अगर औलाद काबिल होना तो वो अपना धन खुद कमा लेगी, लेकिन अगर हमारे साहबजादे की तरह कोई नालायक औलाद हो तो घर पे रखा हुआ जो धन है ना वो भी वो बर्बाद कर देगा। देखिए नवाब साहब, लेकिन जो इसके इतने महंगे महंगे शौक हैं, जो ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल है, ये जो कपड़े घड़ियां ये सब खरीदता है, वो कहां से लाता है उसके पैसे? अरे वो पैसे वो तो कुछ नहीं खरीदता है मैडम जी। अरे पुष्पा जी, क्या है ना कि वो ना सब कुछ ईएमआई पे लेता है। अरे उसके पास बहुत से क्रेडिट कार्ड है, और उनसे सामान खरीदता है, उसकी ईएमआई बनवाता है, और उसके बाद ना एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, अरे यही करता रहता है वो। नहीं नहीं, मगर ये पैसे कभी ना कभी तो चुकाने पड़ते ही है ना। हाँ। ये क्रेडिट कार्डों का हेर फेर कब तक चलेगा? अरे उसके लिए तो हम है ना उसके वालिद, उसके डैडी, उसके पापा, और सबको ये पता है ये जो औलाद है ये हमारी है, इसीलिए सब लोग उसको उधारी दे देते हैं, और उसके बाद वसूलने के लिए वो सब हमारे हवेली चले आते हैं। तो आप उसके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे ब्लॉक करवा दीजिए, तो फिजूल के खर्चे ही नहीं होंगे। अरे किया था ना, सब कुछ किया था मोहतरमा। अरे हमने ना उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हमने सब बंद करवा दिया था, इसीलिए तो यहाँ पहुंच गया, और आप लोगों से झूठ बोल के वो पैसे लेके चला गया। अरे तो कुछ समझ में नहीं आता है नवाब साहब। पुष्पा जी, सारी गलती आपकी है, आपको देखकर ही तो सीखा है वो ये सब कुछ। आप क्या कम खर्चे करते हैं? नवाब है क्या कहीं के? नवाब ही तो है पुष्पा जी। पुष्पा जी, नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से ही तो सीखते हैं। आज वो वही कर रहा है ना जो उसने कल होते हुए देखा है। पुष्पा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने गलती की है, उसी तो सुधार रहा हूँ मैं। तब देखिए मैं इसी तरह के कपड़े पहन के घूमता हूँ, कार की जगह पे मैं साइकिल से घूमता हूँ, ताकि हमारा लड़का देखे और सुधरे। नवाब साहब, पुष्पा जी, एक कहावत है कि आदमी को उतना पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर। मैडम जी हमारी आपसे गुजारिश है कि हम तो उसको सिखा नहीं पाए, अब आप उसको सिखा दीजिए। एक मिनट नवाब साहब, आप क्या चाहते हैं कि मतलब हम लोग आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिख लें? ना ना ना, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ऑफिशियली तौर पर नहीं बल्कि जातीय तौर पर इस मामले को सुलझाया जाए। मैडम जी सुलझाएंगी ना? हाँ हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अरे नवाब साहब, हम यहाँ आप ही के लिए तो बैठे हैं। नहीं नहीं,
हमारे कहने का मतलब ये है कि हम पुलिस है, पुलिस आम जनता की मदद करने के लिए तो यहाँ बैठी है, वो ऐसे आ रहे थे। हम करेंगे हसीना मैडम आपकी मदद करेंगी, करेंगे ना मैडम सर आप मदद? हाँ हाँ पुष्पा जी, अब आप कह रही है तो मदद करनी पड़ेगी। नहीं देखिए नवाब साहब, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम सोचते हैं, हम निकालते हैं इस बात का कोई सलूशन, ठीक है? जी जी शुक्रिया। मैडम सर एक बात समझ नहीं आई, रईस को पैसों की जरूरत थी तो हमने उसे किराया दिया, पर याद कीजिए करिश्मा मैडम ने क्या कहा था कि वो उन्हें वापस पैसे लौटाने गया था। रेंट मांग रहा? हाँ क्यों? नहीं उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। तो अगर उसे पैसों की इतनी जरूरत है, EMI भरनी है, तो करिश्मा मैडम को वापस पैसा क्यों लौटाने गया? आया, आया, आया। आ जाओ नीचे, आ जाओ जरा। बहुत भगाया है तुमने हमें, बहुत। 4 महीने से तुमने गाड़ी का EMI नहीं भरा। लाओ गाड़ी की चाबी। मेरी लगा हुआ है, रोकिए ना। सामने देखिए, नहीं दूंगा ना पैसे। प्लीज सर। भागा जा रहा हूँ। हैं? अरे भाग ही तो रहे हो तुम, और हमें भी भाग भाग के आधा कर दिया है। तुम हमें गाड़ी की चाबी, चाबी दो। सर 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 चाबी नहीं दूंगा, सर चाबी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें चाबी नहीं दोगे तो क्या हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते? हम फिर भी ले जाएंगे। लेकिन कैसे ले जाएंगे सर? धक्का मारो। अरे सर ऐसा क्यों करें सर? अरे सर मेरी बात सुनिए सर। सर इधर इधर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो बड़े टेंशन में लग रहे हो सर। नहीं नहीं टेंशन वाली क्या बात है, ये तो ऐसा ही करिश्मा सिंह है ना, इन्हें कैसे जानते हो तुम? मैं इन्हें कैसे जानता हूं? ये फोटो देख के तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं इन्हें कैसे जानता हूं? मुंह बोली बहन है मेरी करिश्मा सिंह जी, राखी बांधता हूं मैं उन्हें, और बदले में उन्होंने मेरी रक्षा की कसम खा रखी है। कोई मुझे जरा सा भी परेशान कर देना, अच्छा नहीं लगता उन्हें। अरे और पूरे उनके भोकाल के बारे में तो सारा शहर जानता ही है। अरे बात करवाता हूँ। अरे रुको, अरे सर ये तो घर वाली बात है सर, जब मर्जी EMI दीजिए, जब मर्जी लोन चुकाइए, कोई टेंशन नहीं है सर। प्लीज सर प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। गुड डे सर। चलो अब यहाँ से। अरे रुका भैया रुका। अरे भैया कहाँ जल्दी है निकलने का, आवा बचवा थोड़ा सा बचा लेते हैं। अरे भैया अभी तक बैठे हुए हो, उतरा नीचे उतरा। कहा है कि तोहरा कन्वर्सेशन सुना वो रिकवरी ऑफिसर के साथ में, कहा गोली दिया है उसे करिश्मा सिंह के भोकाल के बारे में, कहा बे चंपक? बोल मनुष। सॉरी बोल मनु, सॉरी सॉरी बोल। अरे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, गाड़ी में डाल इसको, ले चल करिश्मा सिंह के पास और उनको बता कि उसके नाम का क्या यूज, का मिस यूज कर रहा है। सर एक्चुअली वो रिकवरी एजेंट से बचने के लिए मैंने सर करिश्मा सिंह का नाम लिया, वरना सर मेरी गाड़ी चली जाती सर। प्लीज सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा मुफ्त में तो बुलबुल पांडे ने आज तक किसी को बद्दुआ भी नहीं दिया है, माफी कैसे देंगे हम? हैं घड़ी बहुत अच्छा लग रहा हाथ में, हमारा बेटा सिफारिश कर रहा था ऐसा घड़ी के बारे में। बेटा बेटा कब हो गया? अरे बोलना पड़ता है वरना ये देगा थोड़ी हमें। घूसखोर हराम का माल देखा नहीं कि जवान कुत्ते सा बाहर, गिरा हुआ आदमी। ऐसा सर आप हमको कहते, अगर हम ही गिरी हुई हरकत करते तो? कमाल करते, ये लीजिए सर ये घड़ी लीजिए आप, और सर मुझे मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। अरे भैया हम तो छोड़ देंगे लेकिन हसीना मलिक नहीं छोड़ेगी। तोहरे अब्बा हुजूर आए हुए थे वहाँ महिला पुलिस थाने में, कंप्लेंट लिखवाने तोहरे नाम का। अब मुसीबत है यार, अब ये दुनिया में एक ही आदमी है जो तुमको बचा सकता है, उसका नाम है बुलबुल पांडे। उसके लिए जैसा हम बोलेंगे वैसा करना होगा बस। पर सर बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल बताइए सर। आओ आओ
यहाँ देखो ऐसा है, सुपर आइडिया, ऐसा ही होगा सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, टीम सर, टीम टीम, थैंक यू सर, तो मैं जाऊँ सर। सर हम पूछ सकते हैं कि आपका ये प्लान से होगा क्या, आप चाहते क्या हैं? प्रतिशोध, बदला। करिश्मा सिंह ने हमारा थाने में जो अपमान किया था ये उसका जवाब होगा। पहले सोचा था कि हसीना मलिक और करिश्मा सिंह को अलग कर देना काफी होगा, जोड़ी टूट जाएगी, थाना बंद हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि ये काफी नहीं है। तो अब जंग होगी, करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच में जंग, और ऐसी जंग जिसकी गूंज लोग सदियों तक सुनेंगे। लोगों ने दोस्ती की मिसाल तो देखी होगी, लेकिन दुश्मनी की ऐसी मिसाल ना देखी होगी ना सुनी होगी। इन दोनों में से कोई भी हारे, जीत हमारी होगी। क्या लगता है आपको इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि एसआई करिश्मा सिंह एसएचओ हसीना मलिक के हाथों की कठपुतली हैं? भाई दुनिया जानती है कि एसआई करिश्मा सिंह कितनी बेसब्र ऑफिसर हैं। मारपीट के अलावा उन्हें कुछ आता कहाँ है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मदद चाहिए?